हाय एवरीवन, एक महीना पहले रिलीज हुआ कब्जा मूवी आप सभी को तो याद होंगे ही दोस्तों। जिस मूवी में यानी KGF मूवी से बहुत सारा चीज़ें यानी कॉपी किया था और जिसकी वजह से लोग इस मूवी को यानी थोड़ा बहुत नापसंद भी किया था दोस्तों। यानी कॉपी किया हुआ चीज़ लोग देखना नहीं चाहते। और दोस्तों बात करो तो मीडिया की तरफ से यानी जो न्यूज़ जो मिला है इस मूवी को यानी ज़्यादा अच्छा कमाई नहीं कर पाया, यानी मूवी फ्लॉप रही ऐसा कुछ सुनने के लिए मिला। और मेकर्स की जैसे कहना है उस हिसाब से तो यानी मूवी बहुत कुछ कमाया है ऐसा क्या है। और दोस्तों अभी सोचते होंगे कि तो फिर क्यों इस कब्जा टू के बारे में चर्चा हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसी का बीच में यानी कब्जा टू का भी यानी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और आप शायद सोचते होंगे कि अगर मीडिया के हिसाब से यानी अगर मूवी फ्लॉप रहा तो फिर कैसे फिर कब्जा यानी टू का रिलीज़ किया जा सकता है दोस्तों। पता नहीं, ये तो मेकर्स और इस मूवी का डायरेक्टर यानी आर चांदू ही जानते हैं और बाकी तो हमें भी पता नहीं है फिर क्या चल रहा है दोस्तों। आप लोग को मालूम होंगे कि इस मूवी के डायरेक्टर यानी आर चांदू जो इस मूवी को यानी डायरेक्ट कर रहा है। और दोस्तों आप लोग को बता दूँ इस मूवी में आप लोग को यानी जो मेन रोल में दिखने के लिए मिला था जिसका नाम है यानी उपेंद्र और भी साथ में सुपरस्टार कास्ट है यानी शिप्रास और भी सुपरस्टार कास्ट है जो इस मूवी में आप लोगों को देखने के लिए मिला था। अभी बात करता हूँ ये टू में यानी किस किस को देखने के लिए मिलेगा यानी आप लोगों को यानी आगे जाके बताऊंगा। अभी तक कुछ अपडेट ही नहीं आया कि टू में अक्सर किस किस को देखने के लिए मिलेगा, उपेंद्र, सुदीप या शिवराज को तीनों की यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि नहीं दोस्तों। और बाकी इस मूवी का जो फीमेल कैरेक्टर है वो भी इसमें आने वाला है कि नहीं अभी तक कुछ पता नहीं चला दोस्तों। और जितना अपडेट आया हम आप लोगों को बता दिया हूँ। और आर चांदू इस मूवी को फिर से डायरेक्ट करने वाला है कि नहीं वो भी नहीं पता। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा इसके बारे में फिर से आप लोग को बताऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लोग सुस्त रहे, हमेशा खुश रहे। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।